भक्ति में सोमवार को शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। वेद में कोई भी बार शिव बाप या प्रजापिता बाबा के ऊपर नाम नहीं रखा है, तो सोमवार और शिव पूजा का वेद में क्या अर्थ है? सोम माने क्या? चंद्रमा कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा। द्वापर में जब पूजा शुरू होती है तो क्या बनती है? हैं? पहला पुजारी कौन बनता है? ब्रह्मा की सोल। सोम, चंद्रमा। शिव पूजा का कनेक्शन पूज्य और पुजारी से है। पूज्य कौन हुआ और पुजारी कौन हुआ? पुजारी हुआ ब्रह्मा बाबा, और पूज्य कौन हुआ? है शिव बाप। तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। हाँ, इस शक्ति पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो जो प्रजापिता है वो ही द्वापर के आदि में लिंग के रूप में पूजा जाता है। उस लिंग में भी द्वापर के आदि में इतनी स्मृति रहती है कि वो स्टार के रूप में हीरा जड़ा हुआ था, वो शिव बाबा हुआ। तो फिर रविवार कहा गया, उसको सोमवार कहा गया है, क्योंकि पहली पूजा किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। पहले भक्त के रूप में अर्पण कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा माता है या पुरुष है? माता है। तो पिता की पत्नी कौन? माँ। पहले अर्पण होने वाली कौन हुई? ब्रह्मा। तो सोमवार कहा जाता है, सोमवार के दिन खास शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन खास पूजा की जाती है। लोटी उसे कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा है। तो ब्रह्मा जैसी ढेर की ढेर है, भक्त के रूप में भक्तनियां हैं, सीताएं हैं, भक्तियां हैं, जिनमें ज्ञान थोड़ा है और दूध थोड़ा है और ज्ञान रूपी जल ज्यादा है, पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा है। पानी उसे कहा जाता है जिसे बिलोने से कुछ भी नहीं निकलता, और दूध उसे कहा जाता है जिसे बिलोने से मक्खन निकलता है। मुली में आया जो ऐसे भी बच्चे है जो कृष्ण में भूल जाते हैं, बाबा को कृष्ण में भूल जाते हैं, और जो नोट करके रखता है वो भी भूल जाता है। और फिर ये भी बोला जो अभी मन में प्रश्न आता है लेकिन पूछता नहीं, वो प्रश्न दापुर युग में बड़ी दुखदायी हो, तो वो बच्चे के लिए दापुर युग में क्या हो? क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते जो अभी बच्चे है इनको समझा दो, जिसका मन में प्रश्न
आता है लेकिन कुछ नहीं, लौट करके रखता है वो भी भूल जाता है। लौट करके लाता है तो पढ़ के सुना नहीं सकता, वो भी भूल जाता है। डायरी डायरी जेब में ही रह जाती है, डायरी जेब में ही रह जाती है, जेब में हो इधर भी हो। हाँ, दूसरों भी नहीं पूछता है, भूलना भी भूल जाते हैं। ये भी आया जो अभी प्रश्न मन में आता है लेकिन पूछता नहीं, दापुर जुग में वो प्रश्न जुग बनकर काटा बनकर दुख देगा, काटा बनकर दुख देगा। हाँ, यहाँ दुख नहीं देता है, यहाँ अंदर अंदर जो कचरा रह जाता है वो यहाँ दुख देगा या नहीं देगा? यहाँ भी दुख देगा, यहाँ थोड़ा दुख देगा और वहाँ जन्म जन्मांतर दुख देता रहेगा। इसलिए कोई कचरा अंदर आता है तो बाहर निकाल देना चाहिए। और दक्षिण भारत का अस्तित्व कब से शुरू हुआ? क्या प्रेम से अखंड भारत का चित्रण नेता के अंत में ही दिया गया ना, के चित्र अखंड भारत का पूरा चित्रण दिया गया है नेता के अंत में ही, तो वहाँ पर से उसका शुरुआत हुआ। खंडित भारत को खंडित किसने किया, विधर्मियों ने या स्वधर्मियों ने? विधर्मियों। तो जब से खंडित किया उसी समय से भारत खंडित हो गया, उससे पहले भारत का खंड था। अखंड का मतलब उसमें दक्षिण भारत का अस्तित्व नहीं था? हाँ, दक्षिण भारत तो द्वापर के आदि से ही था। और माओइस्ट अम्मावादी झगड़ा करता है, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी में वो अम्मावादी है, वो झगड़ा नहीं करते हैं? भाई नेपाल से माओवादियों का झगड़ा शुरू हुआ, वो है नई दुनिया के पालने वाले नई पाल, वो झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये ईस्टर्न जोन है जो नेपाल के ज्यादा नजदीक है, तो वहां उनका प्रभाव बढ़ रहा है। अभी तो महाकाली का प्रभाव बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। महाकाल महाकाली के पांव के नीचे आ जाएगा। और सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता है, प्रजा पिता तो ज्ञान सागर है, सूर्य भी सूर्य प्रवेश करता है तो वो सूर्य हो गया। को सात घोड़े दिखाए जाते हैं, वो सात घोड़े कौन से हैं? वो सात और धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं या आधार मूर्त हैं, वो ही सात घोड़े हैं। आत्मा को अश्व कहा जाता है, बच्चे हाथी रूपी महारथी भी हो, कोई तुम्हारे अंदर घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं। घोड़ों की विशेषता होती है, युद्ध होगा तो युद्ध भूमि में अभी अभी एकदम आगे निकल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो एकदम पीछे भी आ जाएंगे, दौड़ने में बड़े तीखे होते हैं, अभी अभी ऊंची स्टेज अभी अभी नीची स्टेज। सूर्य के साथ सात घोड़े भी तब बनते हैं जब वो शिव बाप प्रवेश करता है, प्रवेश करने मात्र से ही वो ज्ञान सूर्य है, प्रवेश न करे तो सूर्य का गुण कैसे पैदा करेगा? सूर्य के रूप में ज्ञान प्रकाश कैसे फैलाएगा? मुख तो चाहिए ना,
तो दो आत्माएं हैं, एक शरीर है, एक ही शरीर रूपी रथ में है। एक आत्मा ज्ञान सूर्य है तो एक आत्मा ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर का कनेक्शन पृथ्वी से है, शिव बाप बाप है और शिव बाप की पहली पहली बन्नी कौन है? जो रथ लेता है, जिस रथ का आधार लेता है वो है पहली पहली बन्नी। उनकी जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है। शिव की जोड़ी किसके साथ है? शिव की जोड़ी शंकर के साथ है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है। स्त्री का ब्याह था है? स्त्री का ब्याह, स्त्री का, स्त्री माता बोलते हैं ना, माता का बेहद क्या? बेहद का माता का बेहद का अर्थ क्या? माता का अर्थ बेहद का अर्थ है पालना करने वाली, मातृभाव रखने वाली। इसमें बेहद का मातृभाव है, वात्सल्य भाव है, वो ही माता है। सूक्ष्म शरीर भी हो सकती है इसके अंदर? हो सकती है ना, होता ही है। स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर जब तक विनाश होगा तब तक भी रहेगा, आखिरी विनाश होगा। 500-700 करोड़ में मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी और सूक्ष्म बतन खलास हो जाएगा। बाबा निराकार स्टेज होने के बाद भी सूक्ष्म स्टेज माना आकार स्टेज भी रहेगा? जब विनाश होता है तो ढेर की ढेर आत्माएं अपना स्थूल शरीर छोड़ करके हाँ चली जाएंगी, सूक्ष्म बतन में रहेंगी, वो भी दूसरों में प्रवेश करेंगी, प्रवेश भी करेंगी। और तब तक इकट्ठी होती रहेंगी जब तक लास्ट विनाश न हो जाए। आत्मों को भी ऐसा नंबर वाला लागू होते हैं, यही बात? साकारी से आकारी और आकारी भी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं शरीर रहते भी आकारी, हाँ। और एक होते हैं शरीर छोड़ देते हैं, हाँ। फिर आकारी बनते हैं। तो सबकी एक जैसी गति नहीं हो सकती। नहीं, वो बात तो पहले लागू होता है प्रजापिता को, है ना? हाँ जी। तो उसमें जैसा तो बाप समान आत्माएं होंगी, हाँ। उनकी ये गति होगी। तो जो रुद्रमाला आत्माएं हैं, पहले साकारी, फिर साकारी से आकारी, आकारी से फिर निराकारी, फिर साकारी बनेंगी, हाँ।
चंद्रवार रहेगा। हाँ जी हाँ जी, जब तक जीना है तब तक पीना है। और दीपावली, दीपावली होने के बाद वो 13 दिन होने के बाद वो आमला का तुलसी का माने ना उसमें रख करके पूजा करते हैं उसका बेहद का। सबके दीपक जल जाएंगे तो तुलसा माता का दीपक नहीं जलेगा क्या? नहीं, उसमें वो आमला है ना वो मंजरी आ जाएगी, बीज आ जाएगा। तो बाबा का संदेश जब देते हैं ना तब ग्रुप्स को भी दे सकते हैं क्या? है? ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनको भी दे सकते हैं या एक एक को देना है? संदेश तो बहुतों को दिया जाता है लेकिन बाप का परिचय एक एक को बैठ देना चाहिए ताकि व्यभिचारी पैदाइश न हो। अब व्यभिचारी पैदाइश हो, नहीं तो चार को इकट्ठा अगर हम समझावेंगे, इकट्ठा कोर्स देंगे तो जैसे वैश्यालय में होता है वाइब्रेशन, व्यभिचारी होते हैं या व्यभिचारी होते हैं? कैसे वाइब्रेशन होते हैं? वैश्याओं को भी बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? वो कैसे वातावरण में जन्म लेते हैं? व्यभिचारी वातावरण में जन्म लेते हैं, भाव स्वभाव संस्कार भी ऐसे ही होंगे। तो लेकिन कोर्स देते वक्त और 2-3 बीबी केस भी बैठ सकते हैं या नहीं? वही बात, बीबी केस भी नहीं बैठ सकते। एक एक को बैठ करके कोर्स देना है, एक पीबी के में कुछ पता चलता है कौन कौआ है कौन हंस है? एक एक को अलग अलग बैठ करके समझाना चाहिए। मुरली में तो बोला है अलग अलग टाइम दे दो, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना, तुम इस टाइम पर आना। ये राजा ही स्थापन की जा रही है, राजा बनाने में मेहनत लगती है, एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। प्रजा बनाने में कोई मेहनत नहीं है, ढेर के ढेर प्रदर्शनी में आ जाते हैं, संदेश लेकर चले जाते हैं, प्रजा बन जाती है। बाबा साकार प्रोग्राम में लास्ट स्टेज क्या होगा? है लास्ट स्टेज क्या होगा? साकार 100% निरागर स्टेज, 100% निरागर स्टेज, 100% निरागर स्टेज, 100% 100% निसंकल्प स्टेज। वह तो सुख नहीं होगा ना, सुखी कोई स्टेज होगा ना, शांति का नहीं स्टेज ही होगा ना, सुख का होगा या सुख का स्टेज होगा क्या? सिर्फ शांति का स्टेज होगा, निरागर स्टेज जब जहाँ शरीर नहीं होता है वहाँ सुख होता है क्या? सुख शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के सुख होता है? जब है ही निराकारी स्टेज तो सुख की तो बात ही नहीं है, शांति ही शांति है। हाँ, निराकार में शांति ही अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, शांति सुख निराकार में शांति का सुख अनुभव होता है। शांति गले का हार है तो आत्मिक स्थिति में गले का हार है या देवान में है? आत्मिक स्थिति है तो शांति गले का हार है। सुबह शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी, फिर शाकाहारी, ये कौन सा टाइम का बात है? शाकाहारी से आकारी, आकारी से निराकारी,
निराकारी से फिर शाकाहारी, ये कौन सा टाइम का बात है? कौन सा समय का बात है? जैसा मुरली पॉइंट है ना, हर एक आत्मा का अलग अलग टाइम है। एक टाइम कैसे हो सकता है? वो बाइक का कंफ्यूजन है, ये बात जब काका चैतन्य परम धाम बनते हैं ना, उस समय होता है क्या ये स्टेज? हर एक का टाइम अलग अलग है। ये वाक्य बोला हुआ है उस समय जब संक्षिप्त शुरू होने वाला था, उस समय बोला बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। तो बाप साकार था आदि में, साकारी से आकारी बना सन 68-69 में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ गया, 76 में फिर निराकारी बन गया, फिर साकारी बनेगा जब संपन्न स्टेज बनेगी। तो अभी साकारी है? अभी जब साकारी, नारायण को साकारी कहेंगे या आकारी कहेंगे या निराकारी कहेंगे? आकारी कहेंगे है? निराकारी कहेंगे, नारायण को निराकारी कहेंगे। मुरली में नारायण सबसे अच्छा तरीका याद है या नारायण को याद करना? हाँ, तो लास्ट स्टेज आपकी क्या है? लास्ट स्टेज में आप सिर्फ शांति धाम में बैठना चाहते हैं या शांति धाम से भी ऊंची स्टेज में जाना चाहते हैं? सुखधाम में। सुखधाम है आपकी लास्ट स्टेज, तो नारायण कहाँ होगा? दुखधाम में होगा। सुखधाम में होगा या शांति धाम में होगा? सुखधाम में होगा। तो सुखधाम में साकारी होंगे, निराकारी होंगे या भूत प्रेत होंगे, क्या होंगे? नारायण तो साकारी होगा। नहीं, वो 76 तो पहले का बात है ना, तो अभी जो बात है निराकारी से साकारी अभी नहीं बना, लास्ट में बनेगी। बाप साकार से आकारी बना, माने यज्ञ के आज में साकारी था, साकारी से आकारी 69 में बना, 69 में मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आया, आकारी से फिर निराकारी 76 में, फिर साकारी बनेगा। ये वाक्य है, वो ठीक है, वो कब से गा संपन्न कब बनेगा? 2018 में बस। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 2018 के आसपास। तो उसके बाद सब आत्माएं नंबर वार बनेंगे? बनेगी। युगलों को भी साक्षात नहीं दे सकते हैं? युगलों को साक्षात कोर्स नहीं दे सकते, युगल को हाँ साथ पिता जी कोर्स दे सकते हैं। अगर उनके संस्कार आपस में मिल रहे हैं वहाँ बैठ करके, ये बात सही है वो बात गलत है, ये बात ठीक नहीं हो सकती वो बात ठीक नहीं हो सकती, तू तू मेहमान ना होने लगे तो करो, पहले परखना पड़े कि रचना रचयिता के कंट्रोल में है या नहीं। अगर पूरा परिवार रचयिता के कंट्रोल में है तो पूरे परिवार को भी दे सकते हैं।
हाँ जी बाबा जी, दुनिया में तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, सत्संग होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन जब बाप का सत्संग है उसमें जो बच्चों के चेहरे पे जो रौनक रहती वो और किसी सत्संग में रहती नहीं रहती। नंबर वार रौनक रहती है कि एक जैसी रौनक रहती है, है? खुशी रहती है। अच्छा, वो जो सत्संग करने वाले गुरु होते हैं देहधारी गुरु, वो हंसाते रुलाते नहीं है, रुलाते लेकिन रौनक बच्चों के चेहरे पे है, बच्चों के चेहरे पे जब हंसाते हैं तो रौनक नहीं आती है, तो थोड़ी टाइम की नहीं, सदाकाल की, थोड़े टाइम की आती है। सदाकाल की तब कहें जब घर जाओ वहाँ रौनक बनी रहे, घर जाते हैं तो रौनक सोडा वाटर हो जाती है। सुनीता माता से मिलते कि नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते, नहीं मिलते, लेकिन नहीं होती रौनक, नहीं रहती, जाती नहीं। अच्छा, हम्म, और संगम योगी कृष्ण और सतयुग में कृष्ण का जन्म होता है तो दोनों आत्माएं अलग अलग, दोनों आत्माएं अलग अलग, दो आत्माएं हैं? नहीं नहीं, सन 2018 में कृष्ण का जन्म हुआ, संगम योगी कृष्ण, संगम योगी कृष्ण जन्म, सतयुग में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। ये जन्म जो है अलौकिक जन्म है या लौकिक जन्म है? ये अलौकिक, अलौकिक जन्म है। और वो वहाँ जो जन्म होगा वो कैसा होगा? दैवी जन्म, वो दैवी जन्म होगा, तो अंतर होगा कि नहीं? जो देवताएं होंगे उनको शरीर होगा कि नहीं? आत्मा एक ही ना, उनको उनको शरीर होगा कि नहीं? सतयुग में जो कृष्ण का जन्म होगा उनको स्पेशल अपना शरीर होगा या नहीं? होगा। और संगम युग में, संगम युग में उनको स्पेशल अपना शरीर होगा? नहीं, स्पेशल अपना शरीर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि उनके संस्कार राम वाली आत्मा से मिलकर के एक हो गए, और वो दो ही नहीं चारों पांचों ही आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं संगमयुगी कृष्ण। उस कृष्ण का सारा गायन है शास्त्रों में, पूजन है, यादगार है, त्योहार मनाते हैं, कृष्ण लीला दिखाते हैं। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होता है उसके कोई यादगार त्योहार महिमा नहीं है, क्योंकि वहां महिमावान कर्म नहीं करते हैं। महिमावान कर्म कहाँ किए? संगम युग में किए। और चौराहे का क्या मतलब है? चौराहे माने जहाँ चार रास्ता मिलकर के एक हो जाए, है? चार आत्मा ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं, वो चौराहा है। कहाँ कहाँ पांच राहा भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं ज्यादा रास्ते भी मिल जाते हैं। और जो बोलते कि मुरली तुम्हारी लाठी, तो मतलब कौन सी मुरली? और बोले कि ये जो आगे चलकर सारे साधन खत्म हो जाएगी, तो फिर कौन सी मुरली हमारी लाठी बनेगी अंतिम समय में? सारे साधन खत्म हो जाए माना कि ये जो भी कोई चीज है इलेक्ट्रिक वस्तु वगैरह अंतिम समय, माने जो सीढ़ी होती है, जो कागज होता है, जो डीवीडी होती है, वो मुरली है या जो हमारे दिमाग के अंदर ज्ञान की बातें चलती हैं शिव बाबा की सुनाई हुई, वो मुरली नहीं है? लेकिन बाबा लोग बाहर के दुनिया वाले तो प्रूफ पूछेंगे ना। बाहर की दुनिया की बात छोड़ो, यहाँ तो ज्ञान की बात है, जानकारी की बात है। वो जानकारी डीवीडी में बांध के रख लो, किताब में बांध के रख लो, वीसीडी में बांध के रख लो,
कागज में छाप के रख लो, वो है अधूरी। डीवीडी में जो छाप के रखेंगे वो संपूर्ण नहीं है, और जो आत्मा में भर के रखेंगे वो ऐसी संपूर्ण है कि किसी को समझाएंगे तो वो 100 प्रश्न नहीं 1000 प्रश्न करेंगे, हजारों प्रश्नों का जवाब देगी। सीढ़ी या किताब हजारों और सैकड़ों प्रश्न का जवाब नहीं देगी। तो हमारी तो मुरली बेहद की है या हद की है? हमारी तो बेहद की मुरली है। मुरली सुनाने वाला बाप ही हमारा बेहद का है। ये कोई किताबों में और शास्त्रों में बंधने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान सागर का ज्ञान है। इसकी ठाह, इसकी ठाह कोई ने आज तक पाई नहीं। उस सागर की ठाह जैसे नहीं पाई किसी ने, ऐसे इस सागर की भी कोई ठाह नहीं पा सकता। और है बेहद पदार्थ क्या है जो यूज करते हैं? पंखा यूज कर रहे हैं ये देह का पदार्थ है, बिंदी लगा रहे हैं ये देह का पदार्थ है, बुंदा पहन रहे हैं ये देह का पदार्थ है, साड़ी पहन रहे हैं ये देह का पदार्थ है, मकान बना रहे हैं ये देह के पदार्थ है। जो भी चीज हम यूज करते हैं सुख लेने के लिए वो सब क्या है? देह के पदार्थ है। तो देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है, और देह के पदार्थों को भी भूलना है। कोई ऐसे होते हैं कि मरते दम उनको खाने पीने की चीजें याद आ जाती है, जिंदगी भर वही चीज याद की होगी तो अंत समय वही चीज याद आ जाती है, तो दुर्गति होगी सदगति होगी? दुर्गति हो जाती है, माने भूत प्रेत बन जाते हैं। उन भूत प्रेतों के सामने वो चीज रखो तो बड़े खुश हो जाएंगे, दूसरी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, बाबा आपके मेरे को बताएंगे कि जब माला फेरते हैं, राम राम करते हैं, जब फूल आते हैं माथे को लगाते हैं, जो साकड़ साकड़ जो पाठधारी है संगमी की, तो उसे श्रेष्ठ समझते नहीं है। लेकिन मुरली में बताया है कि एक आखिरी आखिरी एक सभी को सलाम भरने के लिए आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो सलाम भरने के लिए साकड़ के सामने आएंगे ना? सलाम भरने वाले माला के मणके थोड़े ही होंगे, मानेंगे ना वो सारे? माला के मणके मानेंगे राम को। हाँ, लेकिन सलाम भरने वाले तो दूसरे धर्म के होंगे। हाँ, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आएंगे सलाम भरने के लिए, उनमें इतना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की बात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो चुप रहेंगे। शरण वाले, हाँ तुम्हारी बात सही, सर माथे पर सही। बाकी हाँ, वो विश्व के मालिक को मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। क्या भगवान? सिर्फ वो निराकार को ही, निराकार को कोई मानेगा। और बाबा अभी बोला विष्णु टू लेट हो गए, विष्णु टू लेट हो गया ना, अष्टदेव में नहीं आया। वैष्णो देवी जो खास विष्णु का पार्ट बजाने वाली मूर्ति है, जिसके आधार पर कहा जाता है नो विश एट ऑल प्रैक्टिकल जीवन में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? वो ही तो है, तो वो आत्मा के लिए बोला गया है कि टू लेट ज्ञान उठाने में कर देती है या पवित्रता दैवी गुणों पालन करने में टू लेट कर देती है? तो ज्ञान उठाने में टू लेट कर देती है, ज्ञान ही परमात्मा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है।
इसलिए लेट और रुद्र माला के मड़के शिव की माला में नहीं आती है। ज्यादा प्राप्ति शिव की माला में है या विजय माला में है, विष्णु की माला में है? क्यों? शिव की माला राजा ही दिलाने वाली है। क्या? राजा अगर बनना है, स्वाधीन अगर बनना है, दुनिया में किसी के अधीन अधीनता का पाठ नहीं बजाना है, तो वो भगवान से मिलता है। भगवान का ही नारा है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। और विजय माला में तो रानियां होंगी, वो किसके अधीन होंगी? और राजा के। ओ, उन्हें जीवन ही अच्छा नहीं लगेगा बिना अधीन हुए, क्योंकि स्वाधीन बनो तो लड़ाई लड़ने जाओ, लड़ाई लड़ने जाओ तो मार काट करो, उन्हें मार काट करना पसंद ही नहीं। और तो बाबा वो ब्रह्मा तो आते हैं ना अष्टदेव? ब्रह्मा अष्टदेव में बोला ना, अष्टदेव में सूर्यवंशी आएंगे या चंद्रा, चंद्रा और चंद्रमा आएंगे, चंद्रवंशी आएंगे? यमराज, धर्मराज। उनका शरीर कहाँ है? जगदम्बा। अरे जगदम्बा जो धर्मराज है, वो धर्मराज जगदम्बा के रूप में होता है क्या? नहीं। फिर वो रूप कौन सा होता है? है जगदम्बा चंद्रवंश में से है मुख्य मण का साकारी या सूर्यवंश में से है? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी अष्टदेव में आ जाएंगे? वो सबके पूर्वज बनेंगे? चंद्रवंशियों से तो पहले सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी पहले पूर्वज हुए या चंद्रवंशी पहले पूर्वज होंगे? पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाले, तो अष्टदेव तो पूर्वज है, सबसे पहले उनका जन्म होता है। अच्छा, तो जो जो यमराज का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो चंद्रवंश का नहीं है, माने सूर्यवंशियों में से ही कोई बीज रूप आत्मा है, असल धर्मराज का पार्ट बजाती है साकार में। पुरुष चोला ओला नहीं देखा जाता है, आत्मिक स्थिति देखी जाती है। बाबा हाँ, शरीर सड़ते जावेंगे, हाँ, पावरफुल हो जाएंगे, सौ साल उम्र तक, सौ साल उम्र तक, सौ साल उम्र तक, उम्र का क्या बंधन है? क्या सौ साल उम्र का बंधन है? उसके बाद सौ साल रहेंगे। कब से लेकर? अभी 36 से। अभी 36 है? माना क्लियर करो बात, क्या पूछ रहे तो सही जवाब मिले। अरे सौ साल कब से कब तक आप गिन रहे हैं? 1936 से लेकर के कितना? 2036 तक। सौ साल होते हाँ, होता है हाँ, तब आत्मा शरीर अच्छा रहता है, आत्मा पावरफुल बन जाएगी उस समय, और शरीर तो पूरे लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम हो जाएंगे। शरीर रहता है फिर भी है? सौ साल शरीर रहता है? शरीर तो कोई कोई के रहेंगे 150 साल से भी ऊपर, जो योगी होंगे, जो 4.5 लाख फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी योगी होंगे, उनकी सबसे ज्यादा लंबी आयु होगी या थोड़ी आयु होगी? ये तो एवरेज एज बताई है, औसत आयु। सत्युग की अंत में सबकी 150 वर्ष आयु नहीं होगी, 125 वर्ष आयु भी रह जाएगी वहां पर, और सत्युग के आदि में 150 वर्ष से ऊपर भी होगी, लेकिन किसकी होगी? सूर्यवंशियों की होगी। तो आप तो सन 2036 तक का ही हिसाब लगा रहे हैं, यहाँ तो ऐसी आत्माएं भी होंगी जो इसी शरीर से 2036 के बाद भी लंबे समय तक वर्षों पार्ट बजाएंगी। शरीर रहेगा, शरीर ये शरीर लुंजुम पुंजुम नहीं रहेगा, है फ्रीज में आकर के कैसा हो जाएगा? फर्स्ट क्लास शरीर हो जाए है? है। और बाबा आज के मुरली में बताए हैं
कि तुम्हारी तो है गॉडली सर्विस है, तुम्हारी तो है गॉडली सर्विस, तुम्हारी है गॉडली सर्विस, तो ये ओनली ओनली आगे ओनली बोला है, ओनली शब्द लगाया है, हाँ बोला है। और ये बताया है आशी मुरली में कि ये डॉगली सर्विस भी करते हैं। हाँ, दुनिया वाले जो है, हाँ, तो दुनिया यहाँ भी, हाँ यहाँ हम ज्ञान अपने करते हैं, ब्राह्मण की दुनिया में भी, तो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए कर सकते हैं। तुम्हारा परिवार है कौन सा, तुम दो गले हो कि एक गले हो, तुम्हारी एक गल है या दो गल है, है? अच्छा, तुम कौन से परिवार के हो? अरे ये नाक कौन से परिवार में रगड़ रहे, डॉगली फेन, ओनली गॉडली सर्विस तुम हो, अब समझ लो अपना अपना, तुम हो ओनली गॉडली सर्विस, माने दूसरी कोई सर्विस नहीं है तुम्हारी, ओनली गॉडली सर्विस। अब ओनली गॉडली सर्विस में क्या जो कर ओनली गॉडली सर्विस में होंगे उनका परिवार नहीं होगा, उनका तो और बेहद का परिवार है। अब वो भूख मरेंगे, वो भूख नहीं मरेंगे, डॉगली सर्विस करने वाले भले भले भूख मरते रहे। और बाबा ने वास्तव में कहते हैं कि जो डॉगली सर्विस करेंगे करेंगे सर्विस भी है, बाबा ने तो कहा भले डॉगली सर्विस करो, भल शब्द लगा दिया, कि जो डॉगली सर्विस है जो करते हैं ये भी भक्ति है, और जो भक्ति करेंगे उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब ज्ञान मिल गया कि बाप आया हुआ है, तो हम जो बाप का धंधा सो ही हमारा धंधा अच्छा चलेगा कि दूसरा धंधा अच्छा ले, डॉक्टर का बच्चा हो, वैद्य का बच्चा हो, वैद्य के घर में जन्म लिया, वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ, तो वैदिक का कर्म डॉक्टर का कर्म अच्छा करेगा या मेहतर का कर्म अच्छा करेगा, वैदिक का कर्म, उसे ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि में समा जाएगा, उसे सहज हो जाएगा। तो हम किस बाप के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं, तो हमारा धंधा क्या होना चाहिए, जो बाप का धंधा सो हम बच्चों का धंधा। इतना भी कहते जाते हैं आगे चल के पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा, अभी भी नहीं है, अभी भी देखने में आता है पत्नी पत्नी नहीं रहती है, पति पति नहीं रहता है, बाप बाप नहीं रहता है, बच्चा बच्चा नहीं रहता है, भाई भाई नहीं रहता है, सारे संबंध दुनिया के सब झूठे होते जा रहे हैं, तो भी नाक रगड़े पड़े। प्रैक्टिकल में जब देखने लगेंगे, अपने सर के ऊपर डंडा जब बजेगा, तब समझेंगे वाकई दुनिया में कोई किसी का नहीं, तब वाकई आएगा वास्तव में, फिर तो टू लेट हो जाएगा। बाबा अष्टदेव में धर्मराज काशी को कह सकते हैं, अष्टदेव में धर्मराज काशी को कह सकते, धर्मराज काशी को कह सकते, धर्मराज काशी को कहेंगे, वो इतना बढ़िया पार्ट है, वो किसी को दुख देने का पार्ट बजाएगी है, उनके इसमें तो ज्ञान पूरा समाया हुआ है, पूरा ज्ञान समय, जिसमें धर्मराज में पूरा ज्ञान होता है, भैंसे में सवार दिखाया जाता है, है? काले कलूटा, काला कलूटा तो वैसे ही होता है देखने में, और काय पे पार्ट बजाता है, काय पे सवारी करता है, भैंसे में सवारी करता है, वो सत्व प्रधान हो गया। इधर तो चंद्रवंशी से धर्मराज निकलता है ना, ब्रह्मा और जगदम्बा, चंद्रवंशियों से उसके संस्कार बहुत कुछ मिले हुए होंगे, लेकिन चंद्रवंशी नहीं होगा, राजाई जो होती थी तो राजाई में राजा तो सिर्फ सुनाता था दंड, देता थोड़ा ही था, देता कौन है, चांडाल, उस किस्म की आत्माएं होती हैं भयंकर पार्ट बजाने वाली, ईश्वरीय नियम के बरखिलाफ एक भी कर्म नहीं करने देगी, न खुद करेगी,
रहम नहीं आएगा। अभी बाप का पार्ट है, फिर बाप साक्षी होकर के देखेगा, फिर किसका पार्ट होगा? धर्मराज का पार्ट होगा। फिर कोई कितना भी बाप का अजीज हो, कितना भी नजदीकी संबंधी हो, कितना भी गहरा संबंधी क्यों ना हो, धर्मराज के आगे एक भी नहीं चलेगी। और बाबा ज्ञान की देवी सरस्वती को क्यों कहा है? है क्या ज्ञान की देवी सरस्वती को क्यों कहा है? और मुरली में उम्राधी सरस्वती का क्यों ज्यादा जिक्र आता है? इसीलिए ज्यादा जिक्र आता है कि उन्होंने फाउंडेशन जमाया ब्राह्मण धर्म का। ब्राह्मण न बनते तो देवता बन जाते? नारायण वाली आत्मा अगर ब्राह्मण न बने तो देवता बन जाएगी? तो ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन किसने जमाया? है ओम राधे ने ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन जमाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया ब्रह्मा का। और मनन चिंतन मंथन में भी अव्वल नंबर मम्मा गई, ज्ञान का जो मुख्य पॉइंट है वो मंथन मम्मा ने किया। क्या पॉइंट? कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा बाप भी बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप भी कैसा होगा ये किसी ने नहीं बताया आज तक। कितनी बड़ी बात ईजाद कर दी। तो जानने वाली है या अनजान है? तो जान की होनी चाहिए नाम की नहीं होना चाहिए? हाँ रोज जान की, रोज जान की को बोला जान लेने वालों की ना वो विदेशियों की है जान की दादी। और बाबा कई मुरलियों में आया है कि शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा। ये नहीं कहा शिव बाप कहते नहीं। नहीं नहीं तो पूरी बात सही बात हो, बात को घुमा दोगे तो अर्थ ही उसका उल्टा हो जाएगा। शिव बाप तो सिर्फ एक ही मुकर्र रथ में आते हैं। क्या सर्वव्यापी है क्या? अगर दो में भी आएगा ब्रह्मा में भी शिव बाप बन करके आएगा तो सर्वव्यापी होगा एक व्यापी हुआ फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ एक में ही व्यापी होता है। बाकी जब व्यापी होता है एक में तो उसको कहा जाता है शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है ही नहीं। क्या कायम है? शिव बाबा सदा कायम। शिव बाप नहीं, शिव बाबा सदा कायम। तो वो शिव बाबा बच्चों में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम पड़ता है। हाँ तो वही फिर वैष्णवी में भी प्रवेश करता है क्यों नहीं? को तो ब्रह्मा कभी पे कहा नहीं है, है? मुरली में कहा वैष्णवी को ब्रह्मा कहा है? ब्रह्मा कहा नहीं, कहने से ही ब्रह्मा, मुख से बोलने से ही, बोल बोल करने सब बातें काम होती है। क्या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा अगर हो तो वो बात कायम नहीं होगी? प्रैक्टिकल जीवन की धारणा ही मुख्य बात है, बोल बोल करना मुख्य बात नहीं है। और प्रैक्टिकल जीवन में धारणा जो है वो विष्णु के ही जीवन में है। वो प्रैक्टिकल पार्ट किसने बजाया? शिव बाबा ने बजाया या वो अव्वल नंबर सीता वाली आत्मा ने बजाया? सीता, है?
फिर तीसरे जन्म में क्यों नहीं बजा लिया? अगर आत्मा ने दिव्य गुणों की धारणा का पार्ट बजाया तो तीसरे जन्म भी बजा लेती, तीसरे जन्म तो नहीं बजाया, तो किसने प्रवेश करके बजाया? शिव बाबा ने प्रवेश करके बजाया। शिव बाबा दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है, जिससे प्यार होता है ना वो कहां घुस के बैठ जाता है? दिल और दिमाग में घुस के बैठ जाता है। महाकाली का भी यही हिसाब है। क्या शिव ज्योति बिंदु नहीं प्रवेश करता है उसमें? कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा प्रवेश करता है, जिसके साथ उसने जीवन बिताया है। सबसे जास्ती संघ का रंग किसने लिया? शिव बाबा के साथ जगदम्बा ने सबसे जास्ती संघ का रंग लिया। तो शिव बाबा 108 मणकों में भी प्रवेश करते तो 108 क्या तो सभी ब्रह्मा है? 108 की तो बात छोड़ो, नहीं वो सभी ब्रह्मा कहने हो, सारी दुनिया में व्यापक हो जाता है उसकी याद। बिंदु को तो सिर्फ याद करने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, जो निराकारी स्टेज में टिकती हैं। अंत में कितनी है? 4.5 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज में टिक जाती हैं, बस। बाकी सब साकार को याद करेंगे भगवान के रूप में, या बिंदु को याद करेंगे? नहीं, अष्टदेवी उतना ही पुरुषार्थ करती है। उतना ही माने कितना ही? बात समान ही करते हैं ना। क्यों, अंतर नहीं है? नंबर कैसे बनते हैं? नंबरवार है लेकिन फिर उन्हें भी ब्रह्मा कहा जाए? उन्हें क्यों ब्रह्मा कहा जाए? फिर तो 108 को भी ब्रह्मा कहा जाए? नहीं, 8 की तो फिर उनकी भी चलन अच्छी होती है ना? अच्छी होती है तो फिर वो दूसरे धर्म के पूर्वज क्यों बनते हैं? फिर तो उनको देवी देवता सनातन धर्म का सबको पूर्वज बनना चाहिए। 8 को बनते हैं? नहीं बनते। एक्यूरेट 100% तो सिर्फ एक ही है, जो एक 4 आत्माओं में प्रवेश करने का विशेष पार्ट बजाता है। 5 आत्माओं में पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है। ज्यादा ब्रह्मा नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 4 या 5 बस। 5 को 5 में प्रवेश करके उनको आप समान बना के विष्णु बना देता है। वो विष्णु के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, 5 आत्मा। और बाबा, वो 5 आत्माएं अगर एक शरीर के ये करते हैं तो फिर वो अलग अलग धर्म स्थापन तो करेंगे ना? धर्म स्थापक होते हैं ना वो अलग अलग? 5 आत्माएं अलग अलग धर्म स्थापन करती हैं? 5 ब्रह्मा जो होते तो वो 5 ब्रह्मा अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं अष्टदेव में। अष्टदेव में? अष्टदेव में 5-8 आत्माएं होती है ना, उनके अलग अलग धर्म स्थापन करने का होता है। तुम ब्रह्मा की 5 ब्रह्मा की बात कर रही हो कि 8 की बात कर रही हो? 5 ब्रह्मा की बात करते तो 8 क्यों ला रही हो? हैं? वो नहीं आते ना उसमें। अरे 8 अलग, वो सब सूर्यवंशी हैं, वो 8 हैं शंकर जैसी आत्माएं, न ब्रह्मा जैसी न विष्णु जैसी। उनकी तो बात अलग, पहले 8 प्रत्यक्ष होते हैं कि पहले 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं? 3 मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष होती हैं, वो तीनों नंबर वाला। हाँ। बाबा, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगत दी, उसमें आना जाना करते हो क्या? तो नई दुनिया में आना जाना करने वाले तो ढेर सारे होते हैं। ढेर सारे होते हैं? ढेर सारे कैसे होते? तुम्हें कैसे मालूम ढेर सारे हैं? बहुत होते हैं, लेकिन ढेर सारे कहाँ नई दुनिया माने जाने वाले? अभी हैं? नहीं, सिर्फ तो जिस समय बाबा ने बात की है उस समय की बात है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है, जिनको दी है उनके लिए बोला कि तुम कहाँ आना जाना करते हो? नई दुनिया में आना जाना करते हो। बाहर की दुनिया में भी सेवा के लिए जाना पड़ता है कि नहीं?
बाहर की दुनिया में भी जाना होना होता है, लेकिन तुम नई दुनिया में भी जाना आना करते हो। अष्टदेव में तो सिर्फ आठ ही आएंगे ना, तो एनएस में जाने वाली तो बहुत सारी होंगी। जाने से क्या होता है, जाने से कुछ नहीं होता है, या तो उस दुनिया की सौगात मिले, सौगात हाथ में मिलती है, तीरी पे बहसते मिलती है, वो दुनिया की राजाई मिलनी चाहिए, कहते ना ये तो हमारी मुट्ठी में है, तो तीरी पे बहस आ गई ना, तो सबकी मुट्ठी में तीरी बहस आ जाएगी क्या? वो जो जाने वाले आने वाले करने वाले होंगे वो किस मतलब लिस्ट में होंगे, वो किस लिस्ट के लिस्ट में होंगे? वो लिस्ट में होंगे जो फाउंडेशन डालेंगे नई दुनिया का, वो एक सौ आठ में आएंगे, एक सौ आठ में आ सकते। अरे जब आठ में आ गए तो एक सौ आठ में तो है ही, एक सौ आठ में क्या, वो एक हजार आठ में भी है, सोलह हजार एक सौ आठ में भी आठ है, नौ लाख सोलह हजार एक सौ आठ में भी वो आठ है जो अष्टदेव है उसको उनको छोड़ते, अष्टदेव को छोड़ करके छोड़े नहीं जाते वो, नहीं, वो तो हर जगह घुस जाएंगे। नहीं बाकी के बाकी के रहते हो, बाकी की क्या जो आना जाना करते हैं। अरे बात अष्टदेवों से कर रहे हैं न कि प्रजावर्ग से कर रहे हैं, जो अव्यक्त वाणियों में बात हो रही है अभी तीन चार पाँच साल से, किससे बात हो रही है? अष्टदेवों से बात हो रही है, स्पेशल प्रजावर्ग वालों से बात करते हैं क्या? अष्टदेवों से बात करते हैं। बाबा अभी जो बताया कि राम वाली आत्मा यानी मुकर्रर वाला पाठधारी नंबर वाला जो पांच ब्रह्मा है उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पांच में ही नहीं, उनकी बुद्धि को पलटाता है, पांच में ही नहीं आठ में भी, एक हजार आठ में भी, सोलह हजार एक सौ आठ में भी, नौ लाख में भी, सारी दुनिया में वो ही जमेगा, उसका नाम पड़ता है राम। रम्यते योगिनो माने जो भी योग लगाएंगे, योग लगाएंगे माने जो भी याद करने वाले होंगे दुनिया में, सारी दुनिया भगवान को याद करेगी, कोई याद करेगा कि नहीं करेगा? सारी दुनिया याद करेगी, तो सबकी बुद्धि में वो राम रमेगा, शिव नहीं रमेगा। प्रश्न ये था कि तो राम वाली आत्मा एक पांचों जो आत्मा है जो ब्रह्मा बनती है उनके संस्कारों का मिलन होके वो पांच आत्माएं अपने आप खुद को चेंज नहीं कर पाती है, तो राम वाली आत्मा उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पलटाती है, घुमाती है, और वो उनके संस्कार जो है वो राम वाली आत्मा के समान बनते हैं। हाँ। तो फिर वो सब ब्रह्मा मिलके ब्रह्मासु विष्णु बन जाता है। हाँ। तो ये जो एक्टिविटी चलती है, तो ये जब से राम वाली आत्मा नंबर वाला शिव समान बनती है तो इसमें भी टाइम लगता होगा ना, इस एक्टिविटी नहीं लग रहा है? लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है। एक्टिविटी 76 से ही चालू हो जाती है क्या? 76 से ही जब बाप आएगा तभी तो एक्टिविटी चालू होगी बाप की, बाप आया ही नहीं तो बाप की एक्टिविटी कैसे चालू हो जाएगी? और जिस आत्मा में जितनी जटिलता कम होगी, अपने संस्कारों की जकड़ कम होगी, हाँ? वो आत्मा उतनी जल्दी परिवर्तन होगी इन पांच आत्माओं में। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले परिवर्तन होगी एक, वो कौन है? नहीं, बाप अपने को आगे नहीं बढ़ाता है, ब्रह्मा को आगे बढ़ाता है, बच्चे को आगे। नई सृष्टि जो 500 करोड़ की सृष्टि है, 500 करोड़ की पत्तों वाली जो वृक्ष है उसमें मुख्य कौन है? पहला पत्ता। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के ऊपर सारा मदार है। कोई पतित नहीं रहेगा बाबा के, अठारह के बाद कोई पतित नहीं है। अरे तो नंबर वार बनेंगे कि वो एक सेकंड में ही सारे बन जाएंगे? बाबा महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग में संत ज्ञानेश्वर का बहुत बोलबाला है। और कौन? संत ज्ञानेश्वर माधव। कौन ज्ञानेश्वर? संत ज्ञानेश्वर। हाँ, उन्होंने गीता का सरल अर्थ बताया है। हाँ, उससे स्वर्ग स्थापन हुआ? तो फिर सरल है कि कठिन है? ऐसा भक्ति वाले लोग बोलते हैं। तो तुम बोलो, तुम क्या कह रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ वो कौन सी आत्मा है, राम वाली आत्मा है क्या? वो कलयुग में आए या सतयुग में आए?
तो कलयुग में आए तो तमो प्रधान आत्मा है या सतो प्रधान आत्मा है? तमो प्रधान आत्मा है। अरे अभी पहले पहले नंबर वालों 9 लाख के तो नंबर नहीं खुले हैं, तुम कलयुग वालों का नंबर खुलवाना चाहते हो, बड़ा प्यार है तुमको उनसे। हाँ हाँ, होके तो बहुत गए हैं, होके तो गांधी जी भी गए हैं, उनके उनके नहीं पूछ रहे वो गांधी जी किसका पार्ट है। हाँ, 2004 से अष्टदेव के प्रति बताया जा रहा है। हाँ हाँ, बात करते हैं, खास अष्टदेवों से विशेष बात करते हैं। 2008 में परिवर्तन शक्ति आने वाली डिक्लेयर किया था। हाँ, तो जो सेकंड नंबर मंत्र डिक्लेयर हुआ उसको कह सकते हैं क्या? परिवर्तन शक्ति नहीं, वो तो रुद्रमाला का मड़का है, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार है, तो जो पुरुष के संस्कार है वो परिवर्तन करेगा या प्योरिटी परिवर्तन करेगी? तो जन्म जन्मांतर के जो राजाओं के संस्कार हैं, वो राजाएं जो है द्वापर कलयुग में विकारी हुए हैं या निर्विकारी हुए हैं? विकारी हुए हैं, वो कैसे परिवर्तन करेंगे? प्योरिटी से परिवर्तन होता है, दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। काशी को तो पवित्रता में लक्ष्मी जी का आयुष्य बताया। हाँ वो तो बताया, लेकिन काशी नगरी जो है अकेले पवित्र बन जाएगी तो ग्रुप बनाती है ना? क्या बनाती है ग्रुप? भाई भाई का ग्रुप बनाती है, बहने कहाँ हैं? बहने भी चाहिए कि नहीं, क्या अकेले बन जाएंगे? क्यों बोला कि विजयमाला का आवाहन करो, फिर तो कह देते काशी नगरी का आवाहन करो, क्यों नहीं कहा? सूर्यवंशी अपने में अधूरे हैं या संपूर्ण हैं? अधूरे हैं, भले रुद्रमाला तैयार हो जाती है सूर्यवंशियों की, लेकिन फिर भी वो पूजी नहीं जाती है। गायन होता है, महिमा होती है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय तब बनेंगे जब पवित्र बने, और पवित्र तब तक बन नहीं सकते जब तक सहयोगी समान पुरुषार्थी न मिले। और तो फिर लक्ष्मी के संस्कार रामबास को कुछ मिले होंगे? कुछ मिले होंगे, 2008 वो सन्यासी, वो बेहद का गृहस्थी, कैसे संस्कार मिल गए? अभी यो अभी की बात कर रहे हैं, 2008 वो अभी की बात कर रहे हैं, अभी कहाँ से मिले होंगे संस्कार? अभी मिल जाएंगे? अभी तो नहीं मिल सकते। और बाबा पूर्ण का वेद का अर्थ क्या होता है? पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बाबा राम और रहीम क्यों बोलते हैं? राम और रहीम क्यों बोलते हैं? क्यों राम के साथ वो पांडवों के साथ कुत्ता को नहीं लोगे? है राम के जब राम के साथ रहीम नहीं होगा तो काम पूरा होगा ही नहीं। रहीम शब्द कौन से धर्म का हुआ? मुसलमान धर्म का। मुसलमान पहले मरते हैं क्या? तब मिलिट्री तैयार होती है, तब मार्शल लॉ लागू होता है। इसलिए कहा पहले ये इस्लामी तो मरे हैं, तो पांडवों के साथ कुत्ते को गिनोगे नहीं? है हाँ, वो भी गुनना पड़े। और बाबा संगम में
शिव ऐसा निष्काम सेवादारी, सदा का अगर निष्काम सेवादारी शिव ऐसा जो जिसमें पार्ट बजाता है वो भी संगम में निष्काम सेवादारी का पार्ट बजाता है। तो एकदम बजाता है या धीरे धीरे परसेंटेज में परसेंटेज बढ़ती जाती है? तो फिर जब एकदम 100% दोनों आत्माएं एक जैसी हो जाए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तब ये बात कह सकते हैं। हाँ हाँ, भावना की बात अलग है। बाबा कहते हैं तुम ऐसे ही समझो कि इसमें शिव बाबा ही पार्ट बजाते हैं, नहीं तो तुम ये समझोगे कि अभी इसमें शिव बाबा पार्ट बजाते हैं, अभी प्रजापिता पार्ट बजाता है, तो तुम एक बात मानोगे दूसरी बात नहीं मानोगे। अभी अभी श्रीमत को मानोगे, अभी अभी नहीं मानोगे। मनुष्य मत और मनुष्यों की बातों को मानोगे और जो श्रेष्ठ पार्टधारी है उसकी बात को नहीं मानोगे, तो सारा डब्बा गोल हो जाएगा। हाँ जी बोलो माता जी। आकार में आकार निराकार को बाबा को याद करना है, बोलते तुम बताते हैं। साकार में आकार को याद करना, ये कहाँ बताया? आकार को नहीं याद करना है, हाँ साकार में निराकार बिंदी को याद करना है। आकार को नहीं याद करना, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। हाँ बोलते बोलते बोल गए, गंगा बहते बहते बह गई। हाँ गंगा माता अभी तो आगे बैठी थी, अभी करते करते एकदम पीछे चली गई। हाँ और एक भक्ति मार्ग है वो श्रुति के अंत तक चलता रहेगा। हैं भक्ति मार्ग? हाँ भक्ति मार्ग दुनिया में बढ़ेगा कि घटेगा? भक्ति भी बढ़ती जाएगी और ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। भक्ति भी पूरी होगी और ज्ञान भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बाबा ये भी कहा है कि गिरजाघर गुरु द्वारा इन सब में एक ही बाबा आया, ऐसा आवाज आई? नहीं नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाद्वार गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे, लग पड़ेंगे माने एकदम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे। आज ये टूटा, आज इस गांव का टूटा, उस गांव में सारे ज्ञानी निकल पड़े। एक ही आवाज आएगी हमारा बाबा आया, ऐसा भी होगा? तो जब जहाँ टूटेगा तो वहाँ उस गांव में सब नहीं चिल्लाएंगे हमारा बाबा आ गया? नहीं। बाबा ये रुद्र माला के जो 4.5 लाख सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं, जैसे राम वाली आत्मा दूसरी आत्माओं में परकाया प्रवेश करने की क्षमता रखती है, वैसे ये आत्माएं भी नंबर वार क्षमता रखेगी क्या बाबा? क्यों नहीं, हर सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, तो उस दुनिया का कोई बीज होगा कि नहीं? वो बीज सब पत्तों में नहीं समाया हुआ है? ना हम तेसु ते मई, वो पत्ते सारे उस बीज में समाये हुए हैं। समाये हुए नहीं तो निकल कहां से पड़े? गीता में भी ये अक्षर आया है, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं पत्तों में, लेकिन वो पत्ते मेरे में अनुस्यूत हैं। तो भी भगत लोग नहीं मानते, फिर भी कहेंगे सर्वव्यापी। ओम शांति।